तो गाइज हम अंदर आ चुके हैं दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन करने के लिए। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन पुजारी जी ने स्पेशल परमिशन दे दी तो उनकी वजह से ये हमारा सौभाग्य कि हम मंदिर परिसर के अंदर आपको दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन करा रहे हैं। इसी विशाल प्रांगण में तोप के गोले आज भी जिंदा रखे हुए हैं। दाऊजी महाराज और रेवती मैया के शक्तियों के कारण वो गोले मंदिर प्रांगण में नहीं फटे और जिसके कारण उनकी शक्तियों के द्वारा ये आज भी मंदिर सुरक्षित है। लगभग 200 वर्ष इस विशाल मंदिर को पूर्ण हो चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण घनश्याम जी द्वारा कराया गया था 18वीं शताब्दी में। जय हो दाऊजी महाराज की जय, बोलो रेवती मैया की जय। जी यहाँ ट्रेन है और ट्रेन से अनलोडिंग हो रही है। यहाँ से सीमेंट आया हुआ है बाहर से, वो अभी अनलोड किया जा रहा है। तो अब चलते हैं, सुरभी के मामा आए हुए हैं और हाथरस किला के बारे में इनको कुछ बताते हैं और दाऊजी महाराज रेवती मैया के दर्शन कराते हैं। ऐतिहासिक मंदिर है तो मिलते हैं। मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज सुरभी के मामा आए हुए हैं और इसीलिए 2 घंटे बाद इसकी ट्रेन है। तो हमने सोचा 2 घंटे के लिए क्या करेंगे, इसीलिए सोचा कि कहीं चलो घूम के आते हैं। और आज आपको हाथरस फोर्ट पर घुमाने के लिए लाए हैं। तो आप अपनी स्टार्टिंग करते हैं जर्नी की हाथरस फोर्ट रेलवे स्टेशन से। हम किला परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। ये मुख्य मार्ग है किला परिसर का और यहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गणेश चतुर्थी से 1 महीने का स्टेट लेवल का विशाल मेला आयोजित किया जाता है। और ये दंगल परिसर है, यहाँ पे 7 दिनों का दंगल होता है, क्योंकि दाऊ बाबा दंगल के लिए जाने जाते थे और दंगल उन्हीं के नाम पे जाना जाता था। तो इस किला परिसर में एक विशाल और अति प्राचीन दाऊ जी बाबा का प्राचीन मंदिर स्थित है। तो आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है दाऊजी महाराज किला के बचे हुए अवशेष और टीले। कई राजनीतिक पार्टियों के ये शिविर लगे हुए हैं। यहाँ जब मेला लगता है सावन के महीने में, लगभग अगस्त और सितंबर में, तो ये शिविर काफ़ी अच्छी तरह से भव्य रूप से सजाए जाते हैं। और ये प्राचीन किले हैं। ये प्राचीन हाथरस का किला हाथरस की दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये प्राचीन किले के अवशेष मात्र शेष हैं। और आगे हाथरस के किले की बहुत ही पुराना इतिहास है, जिससे ऊपर पहुंचने के बाद किला परिसर में आपको रूबरू कराएंगे। गाइज, ये है दाऊजी महाराज का प्राचीन मंदिर, जिसका निर्माण घनश्याम जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में कराया गया था। और अंग्रेज़ों के आक्रमण के बाद यहाँ पूरा किला परिसर क्षतिग्रस्त हो गया और ये दाऊजी टेम्पल ही शेष मात्र बचा है। तो हम आ चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ। यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाएंगे और दाऊजी महाराज और रेवती मैया को समर्पित यह किला, इसके अंदर फोटोग्राफी मनाए, लेकिन बाहर से आपको अति प्राचीन दाऊजी महाराज मंदिर के दर्शन कराएंगे।
हम दाऊजी महाराज मंदिर में आ चुके हैं। 1857 में अंग्रेजी को द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आक्रमण किया गया था और तोप से पूरे किला परिसर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और मंदिर की प्राचीर पर भी तोपों से हमला किया गया था, लेकिन दाऊजी महाराज की असीम शक्तियों की और कृपा की वजह से मंदिर की प्राचीर को और मंदिर के भवन को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो गाइज हम अंदर आ चुके हैं दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन करने के लिए। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन पुजारी जी ने स्पेशल परमिशन दे दी तो उनकी वजह से ये हमारा सौभाग्य है कि हम मंदिर परिसर के अंदर आपको दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन करा रहे हैं। इसी विशाल प्रांगण में तोप के गोले आज भी जिंदा रखे हुए हैं। दाऊजी महाराज और रेवती मैया के शक्तियों के कारण वो गोले मंदिर प्रांगण में नहीं फटे और जिसके कारण उनकी शक्तियों के द्वारा ये आज भी मंदिर सुरक्षित है। लगभग 200 वर्ष इस विशाल मंदिर को पूर्ण हो चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण घनश्याम जी द्वारा कराया गया था 18वीं शताब्दी में। जय हो दाऊजी महाराज की जय, बोलो रेवती मैया की जय। तो परिक्रमा लगाते हैं दाऊजी महाराज के प्रांगण की, मंदिर की, और इसमें एक प्राचीन कुआ है उसके भी दर्शन कराते हैं। वो तो प्राचीन कुआ अति प्राचीन है, पुरातत्व, और ये हेरिटेज साइट यूपी के हेरिटेज साइट में रजिस्टर्ड है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की तरफ से या पिछली सरकारों की तरफ से अभी ऐसा मंदिर प्रांगण की तरफ और किला के बचे अवशेषों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो शायद कैमरा वो चीज़ आपको ना दिखा सके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे तोपों से हमला किया गया था और इसके निशान आज भी मंदिर की प्राचीर पर उपस्थित हैं।